पुढील 5 वर्ष ही देशासाठी निर्णायक असणार आहेत, त्यामुळे देशासाठी वेळ काढून आपले भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान करण्यासाठी येत्या 13 तारखेला धनुष्यबाणासमोरील बटन दाबून मतदान करा, असे आवाहन भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, RPI, रासप, PRP आणि मित्रपक्ष महायुतीचे उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पंजाब आणि हरियाणा मधील बांधवांच्या बैठकीवेळी केले. मावळ लोकसभेचे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार श्रीरंग बारणे यांचा पनवेल विधानसभा मतदारसंघात जोरदार प्रचार सुरू आहे. त्यानुसार श्रीरंग बारणे यांचा पनवेल भेट दौरा आयोजित करून श्रीरंग बारणे यांनी समाज बांधवांसोबत रविवारी संपर्क साधला. या पार्श्वभूमीवर कळंबोली येथील देवांशी हॉटेलमध्ये पंजाब आणि हरियाणा बांधवांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी फिरसे एक बार तीर कमान, फिरसे एक बार मोदी सरकार हा नारा देत समाज बांधवांनी श्रीरंग बारणे यांना समर्थन देत त्यांना विजयी करण्याचा विश्वास दिला. हर आदमी को, हर इंसान को मदद करने का काम करता है. इसी बात पर देश प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में जो काम किया है, ये 10 साल में सुख शांति, 10 साल में कहीं दंगे नहीं हुए, रस्ते का काम पूरी तरह से करने का काम किया है, रेलवे का बहुत सारा काम किया है. मैं इस क्षेत्र से चुन के आता हूँ. 2014 से पहले JNPT में जाने वाले रस्ते की क्या हालत थी? जो ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे कर रहे थे उनको पूछना चाहता हूँ, कंटेनर 4-4, 5-5 घंटे रुकते थे. मोदी जी ने निर्णय लिया, गडकरी जी के नेतृत्व में करीबन 2,200 करोड़ रुपए के काम किया, 8 लेन की रास्ता किया है और इस मार्ग पर अभी आधा घंटे में पहुंचते बिल्कुल ट्रैफिक जाम की समस्या है. मैं चुन के आया पहली बार 2014 में, तो मुझे भी इतना पता नहीं था, मैं ट्रक के पीछे मेरी गाड़ी लगा के खड़ा होता था. बाकी यहाँ के रहने वाले गांव वाले आउट साइड से निकलते थे, फिर मुझे पता चला ये रास्ता अपने लिए नहीं, खाली ट्रक के लिए जाने के लिए दूसरा रास्ता है. और मैंने सोच ली गडकरी जी ने ये काम हाथ में लिया, 8 लेन की सड़क बनी. इस सड़क मार्ग से लगकर अभी मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे कि राम ने राम सेतु बनाया था, मोदी जी ने अटल सेतु बनाया. और ये अटल सेतु मुंबई जाने वाले लोगों को भारी राहत देगा. मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आज हम जैसे लोग, प्रशांत ठाकुर क्या हुआ और अप्पा मांझी जी क्या हुए, हम जैसे लोग अगर ताकत के साथ में आगे आप सभी की सेवा कर पाए तो उसके लिए वो ताकत मोदी जी को देने की आवश्यकता है. कई बार अलग अलग उलझन में हम पड़ जाते हैं, मोदी जी के खिलाफ में यहाँ पर प्रचार होता रहता है, कई बार उनको किसानों का दुश्मन ठहराया जाता है, कई बार सरकार के ऊपर ट्रांसपोर्ट बिजनेस या इसके खिलाफ होने के आरोप लगते रहते हैं. पर ये आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? ये आरोप वही लगाते हैं जो 10 साल सत्ता से दूर है. ये आरोप वही लोग लगाते हैं जो इस सत्ता से, उनके पास यही सारे संसाधन थे, इतना ही पैसा सरकार जुटा पाती थी, पर उनको उस वक्त सरकार के माध्यम से लोगों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे. आज जब मोदी जी ने जाहिर किया कि मैं 6,000 रुपए किसानों को दूंगा, 60,000 किसानों को देने की बात राहुल गांधी ने कही, पर 6,000 वालों पर देश की जनता ने विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं उसकी वो लफ्ज़